हम करें तो क्या करें, हम जाए तो कहाँ जाए, क्या करेंगे? सातवां चरण की बहाली हमें चाहिए। क्या हम लोग इतना बोल रहे हैं, सुनने को तैयार नहीं है। वो कहावत था ना कि भैंस के आगे भीन बजाए, भैंस और शिक्षा मंत्री वैसे ही बैठ करके मौन हो गए हैं। हमारा उम्र खत्म हो रही है, हम करें तो क्या करें, हम जाए तो कहाँ जाए, क्या करेंगे? सातवां चरण की बहाली हमें चाहिए, हमें हाई स्कूल प्लस टू की बहाली चाहिए, हमें हाई स्कूल प्लस टू की बहाली चाहिए आगे, हमें हम लोग इच्छा मृत्यु देंगे एक साथ, हम लोग सरकार के सामने हम लोग इच्छा मृत्यु देंगे, हमारी बहाली होनी चाहिए। ये प्रदर्शन आगे आगे तक, जब तक हमारी मांग नहीं पूरी होगी हम लोग जाते रहेंगे। सरकार अगर अभी भी नहीं समझी तो अब हम लोग सड़क पर उतरेंगे, बजट कालीन सत्र में हम लोग सड़क पर उतरने जा रहे हैं। सरकार मौन हो गई है, क्या हम लोग इतना बोल रहे हैं, सुनने को तैयार नहीं है। वो कहावत है ना कि भैंस के आगे भीन बजाए, भैंस और शिक्षा मंत्री वैसे ही बैठ करके मौन हो गए हैं। शिक्षक बारे में कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन धर्म जाति पर बोलेंगे, लेकिन शिक्षा पर नहीं बोलेंगे। शिक्षा मंत्री शिक्षा पर बोलना चाहिए, शिक्षक अभ्यर्थी कैसे बहाल हो इस पर होना चाहिए, लेकिन वो बस वो मौन रहते हैं, इस पर कुछ नहीं बोलते, इसीलिए आज हम लोग भैंस ले। सवाल यही है, आज हमारी स्थिति भैंसिया की सवाल हो गई है। सरकार हमारे जैसे लड़का को जो है सड़कों पर लाके खड़ा कर दिया है, स्टेट लाइन का बहाली नहीं कर रहा है। महोदय हम लोग जाए तो कहाँ जाए, हमारी मानसिक स्थिति, हमारा समाज में कोई इज्जत नहीं रह गया है। जहाँ जाते हैं लोग हमें गलत दृष्टि से देखते हैं, हम लोग जाए तो कहाँ जाए। हमारी एक ही मांग है तेजस्वी यादव जी से, हाई स्कूल प्लस टू में सातवां चरण की बहाली करें, नहीं तो हम लोग को इच्छा मृत्यु दे। हम इस राज्य में पैदा होकर गलती कर दिए हैं क्या? क्या हम गलती कर दिए हैं स्टेट 19 की परीक्षा पास करके? मैं अच्छा कस बिल्कुल सरकार से मांग करते हैं, हमारी भैंसिया के समान लिया है, जिस प्रकार से पूरे बिहार में विरोध हो रहा है, मैं छोड़ेगा नहीं। अगर ये चार साल से नहीं हुआ, ये लोग आश्वासन सिर्फ देता है कि बिहार करेंगे, परसों करेंगे, अरे करोगे काम, आखिर करोगे काम? बिहार के काम से तुम लोग बहुत ही समझ लिया है, अब ये खाली नहीं हुआ। बिहार के जितने भी सरकारी विद्यालय है, कहीं भी पढ़ाई का कोई वातावरण नहीं है, और सरकार ये चाहती है कि पूरा बिहार भैंस चराने वाला बन जाए। हम ये संदेश देने आए हैं कि बिहार के सरकारी विद्यालयों में हम शिक्षकों की नियुक्ति हो। महोदय तीन अभ्यर्थी हैं और 3 सालों से रोड पे घूम रहे हैं, और हम ये कहने आए हैं कि हमारी नियुक्ति जल्द से जल्द करो, वरना फरवरी में तांडव मचा देंगे। ये महीना में नोटिफिकेशन नहीं आया तो ये लोग विधानसभा नहीं चलने देंगे।